गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई होप एवरीबडी वुड बी फाइन। आज का लेक्चर जो है वो इग्निशन सिस्टम का लास्ट लेक्चर है। आफ्टर दैट यू विल बी एबल टू सॉल्व सम प्रॉब्लम अबाउट इग्निशन सिस्टम। बेसिकली थ्योरेटिकल क्वेश्चंस जनरली आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन फ्रॉम द इग्निशन सिस्टम टॉपिक। सो इसे इस तरीके से आप कंप्लीट कर लेते हो तो आपको अपने इजी होगा। तो चलो हम लोग इसमें जो तीन टॉपिक बच रहे हैं, इग्निशन लैग, 12 और फायरिंग ऑर्डर्स को समझते हैं। पहली चीज़ इग्निशन लैग। सो इग्निशन लैग क्या होता है? इग्निशन लैग समझने का आपको, आप इग्निशन लैग एक टर्म है जो आपको ये बताता है कि आपको स्पार्क कब देना है इंजन में। तो अगर आपको पहले मेरे लेक्चर्स देखे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि स्पार्क कब देते हो, जब आपका कंप्रेशन स्ट्रोक कंप्लीट हो जाता है और आपका एक्सपेंशन स्ट्रोक अबाउट टू स्टार्ट। तो इस कंडीशन में क्या होता है, जब कंप्रेशन स्ट्रोक ख़त्म, मतलब अब TDC पे आपका पिस्टन पहुंच जाता है, तो पूरा जो एयर फ्यूल मिक्सचर है, वो एयर फ्यूल मिक्सचर जो है वो क्लियरेंस वॉल्यूम में इकट्ठा होता है और उसी समय आपको स्पार्क देना होता है। थ्योरेटिकली मींस आइडियली, आइडियल कंडीशन में, लेकिन एक्चुअल कंडीशन में होता क्या है कि जो आपके फ्यूल्स होते हैं, फ्यूल और एयर का जो मिक्सचर है, वो स्पार्क देने और उसे कम्बशन होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो ये टाइम जो है, यही तुम्हारा लैग है। अगर ये टाइम सही तरीके से मेंटेन नहीं करोगे तो जैसे ही आप सपोज़ करो कि आइडियल कंडीशन में ये है कि आपका कंडीशन, मतलब कंप्रेशन स्ट्रोक से ही आपका जो है ख़त्म होगा, जब आपका एंड होगा तभी आप स्पार्क दोगे, तो फिर उसको बर्न आउट होने में थोड़ा सा टाइम लगा और तब तक जो है एक्सप्रेशन स्ट्रोक स्टार्ट हो जाएगा तो आपको प्रॉपर प्रेशर नहीं मिल पाएगा, फ्यूल अच्छे तरीके से अपना पावर रिलीज़ नहीं कर पाएगा और आपकी एफिशिएंसी को होगी वो डाउन हो जाएगी, मतलब जो आपका पर्पज़ है वो सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो इस कंडीशंस को, इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए इग्निशन लैग का कॉन्सेप्ट आया है। उसमें क्या होता है कि हम TDC से पहुँचने से पहले ही, यानी जो आपका पिस्टन है वो TDC पे पहुँचने से पहले ही हम उसे जो है स्पार्क प्रोवाइड कर देते हैं और इससे क्या होता है कि आपकी जो इंजन जो फ्यूल है उसको जलने के लिए टाइम मिल जाता है और वो प्रॉपरली बर्न हो जाता है और अपना पूरी एनर्जी को रिलीज़ करता है प्रेशर के फॉर्म में, जो मैक्सिमम प्रेशर अटेन करना होता है वो उसे अटेन कर लेता है। इस तरीके से आप कंप्लीट, मतलब काफ़ी हद तक एनर्जी को यूटिलाइज कर पाते हैं। तो लेकिन क्वेश्चन यहाँ पर उठता है कि आप जो है कैसे ये इग्निशन लैग को मेज़र करोगे या कैसे बताओगे? तो इग्निशन लैग को हम जो एंगल होता है क्रैंकशाफ्ट का, उसके बेसिस पे बताते हैं। तो जैसे कुछ देर पहने का मतलब का जो कंप्रेशन स्ट्रोक इंड होने से कुछ देर पहले का मतलब यहाँ पे एंगल से होगा। नहीं, अगर हम जैसे 15 डिग्री पहले या 20 डिग्री पहले की बात करें तो क्रैंक जो है वो भी तो घूम रहा है विथ रिस्पेक्ट टू रेसिप्रोकेटिंग मोशन। तो क्रैंक जो है 15 डिग्री पहले ही, जब आपका पिस्टन जो है पहुँचने से पहले, यानी जो इन TDC पे पहुँचने के 15 डिग्री पहले या 20 डिग्री पहले हम इग्निशन देंगे, इस तरीके से हम इसको बोलेंगे इग्निशन लैग को, या इस तरीके ये सिस्टम है, इसको बोलने का तरीका है। और ये सब एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है क्योंकि जो हम मूवमेंट है, पिस्टन की मूवमेंट है, उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्रैंकशाफ्ट के रोटेशन के रिस्पेक्ट में। सो इसी को लेके इसमें डिस्कशन है। अब ये क्वेश्चन उठता है कि जनरली कब कैसे कर, तो मतलब ये बेसिकली किस पे डिपेंडेंट है? तो आप तीसरा पॉइंट को देखिए, इसमें करेक्ट इंस्टेंट जो होता है, यानी जो सही टाइमिंग है, वो किस पे, बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। वो फैक्टर्स कौन से हैं? वो फैक्टर्स हैं आपके जो है, जैसे स्पीड है, कंप्रेशन रेशियो है, मिक्सचर स्ट्रेंथ है, इंजन टेम्परेचर, हेड सेक्टर, इन सब पे डिपेंड करता है। तो करेक्ट इंस्टेंट ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ स्पार्क इज मेनली डिटरमाइंड बाई इग्निशन लैग। तो इग्निशन लैग यही आपको बताता है कि करेक्ट इंस्टेंट क्या है आपके इग्निशन के लिए, आपकी टाइमिंग क्या होनी चाहिए स्पार्क प्रोवाइड करने के लिए, और यही इग्निशन लैग का काम होता है। तो आप कभी भी जब आप इग्निशन लैग आपके दिमाग में हो तो इसका मतलब है ये वो टाइमिंग है जब आपका स्पार्क इनिशिएट करेगा इग्निशन कम्बस्चन को, यानी इग्निशन आपको, आप इग्निशन प्रोवाइड करोगे फ्यूल को। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट पे आप ध्यान दीजिए, सम ऑफ द पैरामीटर अफेक्टिंग टाइमिंग आर डिस्कस। अब हम नेक्स्ट सेक्शन में क्या करेंगे, जो ये इग्निशन लैग
जिससे इफेक्ट होता है उन पैरामीटर्स को थोड़ा सा देखेंगे। सो नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में इसमें हम क्या कर रहे हैं कि जो आपके पैरामीटर्स हैं उनको हम थोड़ा सा स्टडी करेंगे जो इग्निशन लैग को इफ़ेक्ट करेंगे। इग्निशन लैग को इफ़ेक्ट करने वाली पैरामीटर जैसे है, पहली पैरामीटर है वो है आपका इंजन स्पीड। ये इंजन स्पीड जो है वो आपके पैरामीटर को इंजन लैग को इफ़ेक्ट कर सकती है, यानी टाइमिंग को इफ़ेक्ट करेगी। जैसे फॉर हायर स्पीड स्पार्क एडवांस वुड बी मोर एज कम्पेयर टू लो स्पीड इंजन। होता क्या है कि अगर कोई इंजन है वो हाई स्पीड पर चल रही है, और सपोज़ करो कोई इंजन है उसमें मतलब आप एक तरीके से देख सकते हो एक 1000 आरपीएम पे चल रही है, और उसका इग्निशन एडवांस आपने एंगल रख लिया है डी, और अगर वो जो है उसकी आरपीएम को 2000 आरपीएम कर देते हो तो फिर आपको इग्निशन सिस्टम में भी, यानी कब आपको इग्निशन देना है इसमें भी चेंज करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें उसमें कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे, उसके टाइमिंग को लेकर चेंज करना पड़ेगा। तो जब हायर स्पीड होगा तो एडवांस जो आप एडवांस में इग्निशन दोगे वो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, यानी एंगल बड़े हो जाएंगे ताकि आपको प्रॉपर टाइमिंग दे सको आप इंजन को। इसी को समझाने के लिए एक एग्जांपल इसमें दिया गया है कि सपोज़ करिए एक इंजन है जिसका जो है इग्निशन एडवांस जो है वो डी डिग्री है, इन डी डिग्री पे उसमें हम इग्निशन प्रोवाइड करते थे, और उसकी ऑपरेटिंग स्पीड जो है एन आरपीएम है। देन जो टाइम अवेलेबल होगा वो होगा डी अपॉन 360, इसको रेडियन में कन्वर्ट किया गया है और अपॉन एन कर दिया गया है। तो इससे आपको पता चल रहा है कि डी अपॉन 360 इंटू एम मिनट आपको कम्बशन के लिए मिलेगा। अगर इसी इंजन की स्पीड जो है 2n कर दिया जाए तब क्या होगा, तो जो कम्बशन की टाइमिंग है वो हाफ हो जाएगी। लेकिन अगर आप लेकिन आपके फ्यूल को तो इतना टाइम चाहिए, सो उस टाइम ड्यूरेशन को मेंटेन करने के लिए हम जो इग्निशन एडवांस प्रोवाइड करेंगे वो 2D का प्रोवाइड करेंगे। तो आप इस एग्जांपल से समझ लीजिए कि किस तरह इग्निशन एडवांस यानी इग्निशन जो सिस्टम है उसमें जो टाइमिंग है वो इंजन स्पीड उसको अफेक्ट करती है। तो इसका पर्पज़ यही था। इस डायग्राम में आप देख सकते हो ये एक पी थीटा डायग्राम है, यानी जो प्रेशर राइज है और क्रैंक एंगल है। तो क्रैंक एंगल ये है और प्रेशर राइज आपका इस डायरेक्शन में दिखा रहा है, ये क्रैंक एंगल है। TDC को हम जीरो मान रहे हैं, उसके इस साइड में आपका 100 डिग्री और इस साइड में 100 डिग्री, इन्हीं के बीच में कम्बशन किस तरीके से प्रेशर राइज कर रहा है उसको दिखाया गया है। ये ऊपर वाला फिगर 1000 आरपीएम के लिए है और नीचे वाला फिगर जो है 2000 आरपीएम के लिए है। अब आप देखो प्रेशर राइज किस तरीके से बढ़ रहा है। तो आप ये TDC की तरफ, यानी ये कंप्रेशन स्ट्रोक है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये कंप्रेशन, मैं इसको कलर चेंज करके दिखा रहा हूँ आपको। तो यहाँ पे मैं हाइलाइटर का इस्तेमाल करते हूँ, सॉरी। हाँ, यहाँ पे देखिए आप ये वाली लाइनिंग जो मैं खींच रहा हूँ, ये आपका जो है ये ही प्रेशर राइज हो रहा है धीरे धीरे। जब आप कंप्रेशन की तरफ जा रहे हो, कंप्रेशन की तरफ जाओगे प्रेशर राइज होगा और यहाँ पे पहुँचते हो। तो हो क्या रहा है कि यहीं से फिर आपका कंबशन कहाँ से दे रहे हो, इस वाले पॉइंट पे आप कंबशन प्रोवाइड कर रहे हो, जो ये मैंने अभी आपको बता रहा हूँ यहाँ पे कंबशन प्रोवाइड कर रहे हो। ये कितनी दूरी पे है, ये करीब 12.5 डिग्री पहले है, यानी ये आपका TDC है। यहाँ पे इस वाली लाइन जो रिप्रेजेंट कर रही है ये आपकी TDC लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है, और यहाँ से पहुँचने से पहले ही आपने 12.5 डिग्री पहले ही यहाँ पे आपने इग्निशन दे दिया। तो ये जो इतना टाइमिंग है यहाँ से लेके यहाँ तक की जो टाइमिंग है, यही जो है इसमें कम्बशन के लिए मिलती है। और प्रॉपर कम्बशन होने के बाद आप देखोगे कि सडनली जो है प्रेशर राइज सूट कर जाता है, इस तरीके से आपको प्रेशर राइज दे देता है, और फिर वो एक्सपेंशन, यहाँ से एक्सपेंशन स्ट्रोक स्टार्ट हो जाता है और धीरे धीरे प्रेशर डाउन होता है। यानी प्रोसेस को आप थोड़ा सा समझ सकते हो कि यहाँ पे इग्निशन स्टार्ट हो रहा है और एकाएक जो है फिर वो चीज़ें जो है तो आपकी चेंज हो रही हैं। पूरे फिगर को इस तरीके से आप एनालाइज कर सकते हो। ये 1000 आरपीएम के लिए था। अब इसी फिगर को इसमें देखिए आप, जब इसी इंजन को 2000 आरपीएम पे रख दिया जा रहा है तब आपका जो प्रेशराइज का सिस्टम हो इस तरीके से बढ़ रहा है, और ये जैसे ही आप इस केस में आप देखो कि इसमें 22.5 डिग्री पहले, यानी 22 डिग्री पहले इसमें जो है इग्निशन प्रोवाइड किया जाएगा, इस पॉइंट पे इग्निशन प्रोवाइड किया जा रहा है, और इतना टाइम इसको लग रहा है, ये वाला टाइमिंग जो इसको लग रही है ये इसके लिए है कि ताकि वो
क्या कर सके आपके लिए, मतलब इतना कम्बशन की टाइमिंग को दिखा रहा है। ये वाला टाइमिंग जो है ये कम्बशन की टाइमिंग है, और इस कम्बशन के बाद आपको सडन प्रेशर राइज मिलता है और फिर आपका एक्सपेंशन स्ट्रोक आपको पावर दे रहा है इंजन को। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो कि दोनों इंजन में आप एक ध्यान रखिए कि एक 1000 पे काम कर रहा था और एक 2000 पे काम कर रहा है। दोनों में इग्निशन टाइमिंग अलग अलग है, इसमें 12.5 डिग्री है और इसमें 22.5 डिग्री के आसपास अर्ली आप स्पार्क प्रोवाइड कर रहे हो। तो ये फ़र्क है, यानी हाई स्पीड इंजन में आपको थोड़ा सा ज़्यादा टाइमिंग देनी पड़ेगी एज़ कम्पेयर टू लो स्पीड इंजन्स में। तो इस ग्राफ का पर्पज़ यही था। फिर दूसरा पॉइंट है जो मिक्सचर स्ट्रेंथ को, जैसे जो इग्निशन लैग को प्रभावित करता है, वो है आपका मिक्सचर स्ट्रेंथ। अगर आपका रिच मिक्सचर होगा तो स्पार्क की टाइमिंग को होगी वो थोड़ी कम हो सकती है, क्योंकि होगा रिच मिक्सचर जो है बहुत तेज़ी से बर्न आउट करता है, तो आपको इतना टाइम की ज़रूरत नहीं पड़ती। नहीं, इसका मतलब ये हुआ कि मिक्सचर जो अगर रिच है तो आपकी इग्निशन लैग जो है वो कम होगा, यानी आपका जो एडवांस होना चाहिए पहले वो थोड़ा सा उसमें कमी की जा सकती है। नेक्स्ट है तीसरा, पार्ट लोड ऑपरेशन। पार्ट लोड ऑपरेशन से मतलब है कि कम लोड पे अगर आप चला रहे हो, तो अगर आप इन केस ऑफ पार्ट लोड ऑपरेशन ड्यू टू द थ्रॉटलिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज इंटर्स द सिलेंडर, कम अमाउंट का चार्ज अंदर जाएगा और डाइल्यूशन होगा एग्जॉस्ट गैस की वजह से, क्योंकि जब कम चार्ज अंदर जाएगा और अंदर प्रेशर जो है वो डाइल्यूशन उसका, और जब वाल्व्स कम ओपन होते हैं तो आपके एग्जॉस्ट गैसेस भी पूरी तरह से बाहर नहीं निकल पाती हैं, तो वो क्या करती हैं, जो चार्ज आ रहा है उसको डाइल्यूट करती हैं। तो इस केस में क्या होगा, दोनों चीज़ें हो रही हैं। एक तो चीज़ है कि स्मॉल अमाउंट का चार्ज आ रहा है, दूसरा डाइल्यूशन इफेक्ट है, और इसकी वजह से क्या होता है कि कम्बशन प्रोसेस जो है, इसकी वजह से कम्बशन प्रोसेस स्लो हो जाता है। सो इन दिस केस स्पार्क एडवांस मस्ट बी रिड्यूस। तो इस केस में क्या होगा कि आपको थोड़ा सा इस एडवांस जो है उसे कम करना पड़ेगा, यानी मतलब आपको जो है पहले देना इंक्रीज़ करना पड़ेगा, सॉरी स्पार्क एडवांस इंक्रीज़ आपको और पहले देना पड़ेगा ताकि प्रॉपर टाइम मिल सके पूरी तरह बर्निंग के लिए। चौथा पॉइंट है कि टाइप ऑफ फ्यूल क्या है। टाइप ऑफ फ्यूल आपका वो डिपेंड करता है, उस पर भी डिपेंड करता है कि आपका जो है स्पार्क एडवांस कितना रखना है। जो स्लो बर्निंग फ्यूल है तो आपको जो है ज़्यादा स्पार्क एडवांस चाहिए, और अगर फास्ट बर्निंग फ्यूल है तो आपको कम एडवांस चाहिए, यानी कम अर्ली एंगल मतलब देने पड़ेंगे आपको, आप नियर TDC आप उसको स्पार्क प्रोवाइड कर सकते हो या इग्निशन कर सकते हो। फिर नेक्स्ट स्लाइड में आप देखोगे कि भाई स्पार्क एडवांस ये एडजस्ट कैसे करोगे। ये तो बोलने हमने आपको बता तो दिया, बट ये ऑटोमेटिकली होता कैसे है, क्योंकि ये पूरा सिस्टम एक हाई स्पीड हो गई, लोड बढ़ गया, तो आपको एडवांस कम या ज़्यादा करना पड़ सकता है। तो आप उसके लिए मैकेनिज़म्स हैं जो कि इंटीग्रेटेड होते हैं डिस्ट्रीब्यूटर के साथ। अगर पहले याद हो तो डिस्ट्रीब्यूटर क्या करता था, स्पार्क को सब जगह डिस्ट्रीब्यूट करता था सारे उसमें, तो वही उसी डिस्ट्रीब्यूटर में एक जो है स्पार्क एडवांस मैकेनिज़म्स लगे होते हैं। ये दो तरीके के जनरली होते हैं, और एक होता है आपका सेंट्रीफ्यूगल स्पार्क एडवांस मैकेनिज़्म जो कि फुल लोड पे जनरली हम यूज़ करते हैं, और एक होता है वैक्यूम एडवांस मैकेनिज़्म जिसको हम पार्ट लोड ऑपरेशन में यूज़ करते हैं। ये दोनों जो हैं एज ए नेम सजेस्ट उस प्रिंसिपल्स पे काम करते हैं, सेंट्रीफ्यूगल प्रिंसिपल्स पे, और दूसरा जो है वैक्यूम चैम्बर के बेसिस पे काम करता है। ये आपके कोर्स में बहुत क्लियरली मेंशन नहीं है, बट मैंने इन दोनों के यूजेस को बता रखा है, तो आप थोड़ा सा अगर आप चाहें तो आप टेक्स्ट बुक को प्रेफर कर सकते हैं। और ये पूरा सिस्टम जो है वो ऑटोमेटिकली अपने आप को एडजस्ट करता है एज़ पर द स्पीड अप, क्योंकि ये जो आप देख रहे हो सेंट्रीफ्यूगल एडवांस मैकेनिज्म, और ये सब कैम के थ्रू जुड़े रहते हैं, तो ये ऐसे जुड़ा हुआ है कैम के थ्रू, कैम रोटेट कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूटर भी इसी से जुड़ा हुआ है। तो जैसे जैसे स्पीड बढ़ती है तो ये क्या करता है, अपने चैम्बर्स बने एक रिंग्स बना होता है, वो रिंग एक्सपेंड करता है, और उसी तरीके से वो स्पार्क एडवांस को कम या ज़्यादा करता रहता है। तो आप थोड़ा सा डिटेल में देख लेना, बट इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है इसलिए मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। इन नेक्स्ट स्लाइड आप देखोगे ड्यूल एंगल के बारे में। ड्यूल एंगल है क्या? ड्यूल एंगल वो पीरियड होता है जिसमें आपका जो कॉन्टैक्ट ब्रेकर होता है वो क्लोज्ड रहता है, जो उसके पॉइंट्स जो हैं वो क्लोज रहते हैं। अगर आपने फिगर देखा है, पिक्चोरियल व्यू आप देखिए प्रीवियस लेक्चर्स में, तो आपको कॉन्टैक्ट ब्रेकर का फिगर इस तरीके से कुछ दिखेगा। इसमें ये कॉन्टैक्ट पॉइंट है जहाँ पे कॉन्टैक्ट्स में रहेंगे, अगर ये क्लोज कर देगा तो सर्किट
क्लोज रहेगी और करंट फ्लो करेगा, और जब ये ओपन हो जाता है तो आपका सिस्टम बंद हो जाता है। ये कॉन्टैक्ट ब्रेकर जो है, ये देखिए कैम से जुड़ा हुआ है, ये कैम से जुड़ा होता है और इसी कैम के रोटेशन के बेसिस पे ही ये क्लोज और ओपन होता है। तो ये टाइमिंग जो आप देख रहे हो, तो ये डिपेंड करता है इस एंगल पे, ये कैम एंगल है, इसी को हम ड्वेल एंगल बोलते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, ड्वेल एंगल बोलते हैं। तो कौन सा एंगल, ये वाला एंगल, यानी जो कैम के बेसिस पे सेट होता है। तो इस तरीके से सेट किया जाता है कि जैसे ही कैम यहाँ पे पहुँचेगा ये इसको क्लोज कर देगा, और जैसे ही उस एंगल का ड्यूरेशन ख़त्म हो जाएगा ये ओपन हो जाएगा। तो इस तरीके से एक सिस्टम बनाया जाता है जो कि कैम के थ्रू ऑपरेट होता है और आपको एक टाइम ड्यूरेशन प्रोवाइड करता है जिसमें आपका कॉन्टैक्ट पॉइंट जो है क्लोज रहते हैं और कब कॉन्टैक्ट पॉइंट जो है वो ओपन रहेंगे। तो ये इसको ड्वेल एंगल क्या है, तो ड्वेल एंगल द पीरियड फॉर विच द कॉन्टैक्ट ब्रेकर पॉइंट्स रिमेन क्लोज्ड इज कॉल्ड ड्वेल एंगल और कैम एंगल। इसे कैम एंगल, इसको मेजर कैसे कहते हैं, डिग्री ऑफ कैम रोटेशन, जिस कैम जो है, ये कैम मैंने अभी बताया आपको, कैम के रोटेशन की डिग्री पे इसको मेजर करते हैं। इसमें पॉइंट्स, मेन पॉइंट्स क्या हैं, इट शुड बी क्वाइट लार्ज टू प्रोवाइड मैग्नेटिक सैचुरेशन टू प्राइमरी। अगर ये थोड़ा सा इसका टाइमिंग अच्छी होनी चाहिए ताकि प्रॉपर करंट जो है प्राइमरी कॉइल में पहुंच सके और आपकी जो कॉइल है वो सैचुरेट हो सके, मतलब प्रॉपरली उसमें इतना करंट हो कि वो मैग्नेटिक रूप से सैचुरेट हो सके। बहुत छोटा अगर आपने इसे रख दिया तो क्या होगा कि आपको जो पुअर स्पार्क मिलेगा, मैग्नेटिक प्राइमरी मैग्नेटिक कॉइल जो है वो सैचुरेट नहीं हो पाएगी मैग्नेटिकली और आप कम पावर जो है वहाँ स्पार्क प्लग पे भेज पाओगे या कम वोल्टेज भेज पाओगे, जिसकी वजह से पुअर स्पार्क होगा। ड्यूअल एंगल जो है वो किस पर डिपेंड करता है, ड्यूअल पीरियड जो है वो ड्यूअल एंगल पर डिपेंड करता है और इन्वर्सली जो है इंजन स्पीड पर डिपेंड करता है। तो ये दोनों चीज़ें ध्यान रखनी है, अगर इंजन स्पीड बढ़ेगा तो आपको इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। इसमें आप कभी कभी इनके रिस्पेक्ट को पूछा जा सकता है आपसे, जस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। और भी पैरामीटर्स हैं इसमें। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है फायरिंग ऑर्डर। फायरिंग ऑर्डर से मेरा मतलब ये है कि आप सपोज करो कि चार सिलेंडर का इंजन है तो उसमें कौन सा सिलेंडर फायर होगा, यानी कब उसमें इग्निशन दिया जाएगा। द ऑर्डर इन विच वेरियस सिलेंडर्स ऑफ द मल्टी सिलेंडर इंजन फायर इज कॉल्ड फायरिंग ऑर्डर। सो दिस इज फायरिंग ऑर्डर का मतलब ये हुआ कि कौन सा सिलेंडर कब फायर होगा। ऐसा इसलिए किया जाता है, आप इस एग्जाम्पल को देखिए, ये एक क्रैंक शाफ्ट है जिसमें ये चार सिलेंडर से जुड़ा हुआ है। एक ये सिलेंडर है, ये सिलेंडर 1, 2, सिलेंडर 3, सिलेंडर 4 इस तरीके से जुड़ा हुआ है और ये जब जब इसमें फायर होंगे उसी हिसाब से ये घूमेगा। ये बियरिंग ए के साथ जुड़ा हुआ है यहाँ पे एक एंड, दूसरा एंड बियरिंग बी के साथ जुड़ा हुआ है। तो होता क्या है कि अगर आप इन्हें सपोज कि इसमें तीन पैरामीटर्स को ध्यान रख के इनके फायरिंग ऑर्डर को डिसाइड किया जाता है। पहला पैरामीटर है इंजन वाइब्रेशन। अगर आप आर्बिट्री मैनर में फायर करते हो तो इंजन वाइब्रेशन हो सकता है, जैसे सपोज करो 1, 2, 3 हम करेंगे तो एक फायरिंग ऑर्डर की वजह से इसमें वाइब्रेशन हो सकता है क्योंकि जो पावर मिल रही है वो उनके डायरेक्शंस को लेके वो एक दूसरे को बैलेंस नहीं करेंगी और ये क्या करेगा, इस शाफ्ट पे जो है वो एक हो सकता है कि किसी टाइम वो सेम डायरेक्शन में फोर्स लगाए तो और किसी टाइम वो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है और उससे क्या होगा कि आपके वाइब्रेशंस जो है जनरेट होंगी। दूसरा क्या है, इंजन की कूलिंग। अगर आप 1 से शुरू करोगे, जैसे सपोज करो 1 में फायरिंग करी हमने और फिर दूसरे में करी, तो 1 के फायरिंग की वजह से पूरा हीट हो जाएगा पूरा सिस्टम चैम्बर और वो उस हीटिंग की वजह से ऑलरेडी ये थोड़ा बहुत हीट हो चुका, और फिर इसमें फायरिंग होगी तो और भी हीट हो जाएगा। इस तरीके से हीटिंग बढ़ती जाएगी, यानी इसमें अगर आप डायरेक्ट जाते हो तो बहुत ज़्यादा हीटिंग बढ़ती जाएगी, तो इस चीज़ को भी हमें ध्यान रखना है। तीसरा पॉइंट है कि डेवलपमेंट ऑफ दी बैक प्रेशर। सपोज करिए कि आप सिलेंडर 1 को जो है सिलेंडर 1 को फायर करते हो, तो सिलेंडर 1 को जब आप फायर करते हो तो होगा क्या कि इस जो एग्जास्ट मैनिफोल्ड होगा उसमें गैस निकल रही होगी, उसी समय अगर आप उसके तुरंत बाद 2 को करते हो तो 2 से भी जो गैस निकलेगी और ये दोनों एक दूसरे को ओवरकम यानी एक दूसरे को ओवरटेक करने की कोशिश करेंगी, उसकी वजह से क्या होगा कि आपका जो है बैक प्रेशर डेवलप होगा। तो अगर आप 1 के बाद सपोज करो आप 1 के बाद 4 को फायर करते हो तो
चार से वन वन चार से एक जहाज मैनिफोल्ड तक पहुंचने में आपको क्या करना होगा, आपको थोड़ा सा टाइम मिल जाएगा। तो इससे क्या होगा कि वन की गैस ऑलरेडी निकल चुकी होगी, फिर आपका जो है चार की गैस वहां तक पहुंचेगी, तो यानी जो टाइमिंग होगी वो थोड़ी सी मिल जाएगी। इससे क्या होगा, एक जहाज मैनिफोल्ड पर आपका प्रेशर नहीं बढ़ेगा और उसकी साइज़ को हमें बड़ा नहीं करना पड़ेगा। तो ये ध्यान रखना होता है जब हम इंजन के फायरिंग ऑर्डर्स को डिसाइड करते हैं। तो अब इसमें दो तरीके के फायरिंग ऑर्डर्स के सिक्वेंस को दिया गया है। जैसे फोर सिलेंडर इंजन का फायरिंग ऑर्डर जो होता है वो 1 3 4 2, यानी ये सबसे पॉपुलर फायरिंग ऑर्डर है 1 3 4 2, या फिर 1 2 4, यानी पहले 1 को करेंगे, फिर 2 को करेंगे, फिर 4 को फायर करेंगे और 3 को करेंगे। इस तरीके से हम डिस्ट्रीब्यूटर को सेट करेंगे कि वो इस तरीके से आपके फायरिंग को सीक्वेंस को मेंटेन करें। सिक्स सिलेंडर इंजन के लिए जो कॉम्बिनेशंस दिया गया है 1 5 3 6 2 4, ये पहला फायरिंग ऑर्डर है, यही सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। दूसरा फायरिंग ऑर्डर है 1 5 4 6 2 3। इस तरीके से चार तरीके के फायरिंग ऑर्डर्स दिए गए हैं, ये चारों में से पहला सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, बट ये चारों फायरिंग ऑर्डर दिए जा सकते हैं। तो फायरिंग ऑर्डर को लेके ये कॉन्सेप्ट है, इसे आप थोड़ा सा अपने समझ सकते हो। तो फॉर टुडे आई थिंक दैट्स इनफ, और यही आपके लास्ट टॉपिक थे। इसके बाद आपका इग्निशन सिस्टम ख़त्म हो जाता है और हम जो है कंबशन को लेकर डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।